सिंगरौली में एनटीपीसी विंध्यनगर प्लांट का एश डाइक डैम अचानक फूट गया, जिसमें करोड़ों की मशीनरी डूब गई, साथ ही कई मवेशी बह गए। बताया जा रहा है कि 3 श्रमिक भी पानी में फंसे हुए थे, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। घटना शाम 5 बजे की बताई जा रही है। परियोजना में लगे कई श्रमिकों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन 3 श्रमिक पानी के बीच में फंस गए। वहीं कई घरों में राख का पानी भर गया है और फसलों को भी नुकसान पहुंचा हुआ है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एनटीपीसी प्रबंधन और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इससे पहले भी एनटीपीसी प्रबंधन को सूचित किया गया था, लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन ने लापरवाही रवैया अपना नहीं छोड़ा। वहीं ठेकेदार हरिचंद रजक का कहना है कि उनकी मशीनरी अंदर खड़ी थी, अचानक डैम फूटने से करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब होने की आशंका है, लेकिन सीआईएसएफ के जवान उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। फिलहाल सीआईएसएफ जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत कर चुका हूँ, इसके पहले भी तिवारी साहब विधित है, उनके पास हमने लेटर दिया था। यार जस्ट यही जो पानी भर रहा था और राख उड़ रही थी, हम लोग घर में 4-4 इंची राख पड़ा हुआ है, बंधा टूट गया है। हम लोग छुट्टी करके घर चले गए थे और हम लोगों का पंप हाउस में गाड़ी पूरे हाड्रा ट्रैक्टर पूरा मटेरियल सामान सब वही है, वो डूबने वाला है और हम लोग अंदर जाके अपने सामान की रक्षा करना चाहते हैं। पता चल रहा है कि उसमें पानी ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से गेट पे हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ आने पे हमको ये पता चला है कि इसका जो एनटीपीसी का V1 डैम है, आज करीबन 4:30 के बाद में उसमें वो ब्रेक हुआ है, तो वहाँ का एस और पानी बह गया है और किसी प्रकार का भी जानमाल का नुकसान नहीं बताया गया है। जो पानी था उतर करके आगे बह गया है। एक अनफॉर्चुनेट घटना है और हम लोग जो है इस पे तत्परता से अपना कार्य शुरू कर दिए हैं और जहाँ तक इसमें जो जानमाल की बात है, इसमें किसी तरह की कोई नुकसान इस तरह का नहीं हुआ जानमाल का। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी मनोज से। मनोज, एनटीपीसी का एश डाइक डैम अचानक टूट गया है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? विजय, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी विजय, क्या कुछ अपडेट है? कल ये एश डैम फूटा था, अभी कैसी स्थिति है? ये एनटीपीसी विंध्याचल का एश डाइक है, जो करीब शाम को 5 से 6 के बीच में डूब गया था। इसमें करीब करोड़ों रुपए की मशीनरी और अन्य चीजें डूब गई हैं, जिसको अभी निकालने का कार्य चल रहा है। वहीं पर स्थानीय प्रशासन और कंपनी की मदद से भी रात में फंसे हुए 3 लोगों को निकाल लिया गया था और राहत और बचाव कार्य जारी है अभी। ठीक है विजय, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट ले लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।